हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं मीनाक्षी और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो मैं आज बना रही हूं बहुत ही चटपटा सा और करारा सा नाश्ता। जी हां, मैं बना रही हूं मूंग दाल का वड़ा और इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस हैं। तो वो चेंजेस क्या है और इससे ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट कैसे बनता है ये जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना है, हमें लेना है एक कप मूंग दाल, यानी एक कटोरी मूंग दाल। आप समझ लीजिए जो धुली हुई मूंग होती है ना, बस वही वाली दाल हमें लेनी है। और इसे 3-4 बार अच्छे से पानी में भिगो के धो के और उसके बाद हमें 4 से 5 घंटे के लिए इसे भिगो देना है। ये बहुत जल्दी फूल जाती है और ये देखिए फूलने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देती है। तो ये मेरी दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो अब क्या करना है कि इसे हमें पीस लेना है। तो इसमें जो एक्सेस वाटर है ना, हमें ये पूरा ही छान देना है और उसको थोड़ा सा बस पानी डाल के हमें बिल्कुल महीन पीस लेना है। आप चाहे तो थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं इसे। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। तो अगर थोड़ा सा पानी आपको डालना पड़े ना, तो इसे पानी डालकर और एकदम महीन पीस लीजिए। और इससे क्या होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड करेंगे ना, तो ये अच्छे से बिल्कुल फिट जाएगा और आपके जो वड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो ये इस तरह कुछ दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि पानी ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा राइस फ्लोर, यानी राइस चावल का आटा जो होता है ना, बिल्कुल वही हमें मिलाना है। तो 1/3 कप मैंने इसमें चावल का आटा, यानी मान लीजिए 2 से 3 चम्मच आप इसमें चावल का आटा मिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल अच्छी सी इसका जो कंसिस्टेंसी है ना बैटर की, वो बन जाएगी। और बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। और ये देखिए बिल्कुल एक अच्छी सा बैटर इसका तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ी प्याज, मैंने बहुत ही महीन यानी बारीक बारीक चॉप कर ली है। और ये अदरक है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये है आलू। जी हाँ, मैंने इसमें ना आलू डाला है। तो आलू डालने से क्या होगा, ये बहुत ही एक तो करारा भी बनेगा और सॉफ्ट होगा, जो बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट देगा। और 2 हरी मिर्च है और धनिया जो है मैंने बहुत सारा डाला है, क्योंकि इसमें ना धनिया का जो टेस्ट होता है ना, हरा धनिया काट के डालो आप, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बस थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। तो कोई भी भजिए पकौड़े हम बनाते हैं तो उसमें हींग का जो फ्लेवर है ना, वो तो मस्त एकदम उभर के आता है। तो इसमें मैंने हींग डाल दिया और बाकी के बहुत ज़्यादा मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमने प्याज वगैरह डाली है ना, उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें 1/2 चम्मच के करीब मैंने डाला है ज़ीरा, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, करीब 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और बस नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो बस इतना ही मसाला हमें डालना है, क्योंकि हमें बिल्कुल मूंग दाल का जो फ्लेवर होता है ना, वो चाहिए। तो हम बहुत ज़्यादा मसाला डाल के इसे डोमिनेट नहीं करेंगे इसके टेस्ट को। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई जो है वो पहले रख दी थी, तो तेल जो हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, गर्मा गर्म एकदम। और इसमें हमें डाल देना है अपने जो हमने दाल का बैटर बनाया है ना, उसके बस जैसे हम कढ़ी के लिए पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें उसी साइज़ के पकौड़े, जैसे आपको छोटे चाहिए बड़े चाहिए, जिस जो साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए तेल में। और थोड़ी देर इसको बिल्कुल टच मत करिए, थोड़ा ये जब ब्राउन ब्राउन होने लगेगा ना नीचे से, तब हमें इसे पलटना है। तो ये देखिए बस 1 से 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, और कितना अच्छा बिल्कुल देखने में ही लग रहा है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हमें ये जो हमारे वड़े हैं बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। तो इसे बस आपको थोड़ा बहुत पलट कर दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए हमारा जो वड़ा है ना, कुछ इस तरह का इसका कलर और टेक्स्चर आएगा। तो बस इसे हम अच्छे से तेल को ड्रेन करके निकाल लेंगे, और कोई भी जो किचन टॉवल होता है ना, उसमें निकालें ताकि एक्सेस जो भी ऑयल है वो भी इसमें बिल्कुल निकल जाए। तो ये हमारे गर्मा गर्म सॉफ्ट क्रिस्पी मूंग दाल वड़े बिल्कुल तैयार हैं। और इसको मैंने सर्व किया है थोड़े से प्याज, हरी मिर्च और ग्रीन चटनी के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और हाँ, 1 कप चाय ज़रूर रखिएगा साथ में। तो देखिए ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। और इसे तोड़ कर दिखाती हूँ मैं, देखिए देख के ही मुँह में पानी आ रहा है ना, बिल्कुल। जी हाँ, आप खाएँगे ना तो बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है आपको। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, और अगर ये रेसिपी आपको
पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने थे। तो जल्दी से कर लीजिए इस वीडियो को लाइक अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।